टुडे 6th ऑफ जुलाई सो वी आर ऑन द वे. आई हैव गिवन वन सरप्राइज टू सचिन ऑन हिज बर्थडे. सचिन डोंट नो वेयर वी आर गोइंग. इट्स हिज बर्थडे सरप्राइज एंड सुबह के बज रहे 5:30. हम निकल चुके हैं सो हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं. सो आई एम सो एक्साइटेड. कपड़े बेच रहे हैं सब लोग. कितनी रश है. ये रहा स्टेशन. हम आ चुके हैं स्टेशन पे. बारिश हो रही है. हम पहुंच चुके हैं. अब हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे. दिस इज जन शताब्दी एक्सप्रेस. वी हैव टू गो इन तेजस एक्सप्रेस. दिस इज मुंबई एसी लोकल. Has automatic doors. Feeling so good.
थाने जो नेक्स्ट स्टॉप पे तेजस एक्सप्रेस रुकी है वो है पनवेल स्टेशन. सो आई गेस देर इज़ ओनली 2 मिनट्स होल्ड ऑन द स्टेशन एंड देन देखते कितना स्टॉप करती है तेजस एक्सप्रेस. सो पनवेल पे अप्रोक्स 10 मिनट्स रुकते थे. सो या आई गेस ये ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है अपने टाइम से. लेट्स सी अब हम कब पहुँचते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं. सो सचिन का ब्रेकफास्ट आ गया है एंड सचिन जिसका तुम वेट कर रहे थे फाइनली डेस्क पर. थैंक यू सो मच. सुबह से कुछ खाया नहीं. सर हमें क्या क्या है, इट्स मैंगो जूस एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है. Same.
And Sachin finally bought vada pav for me. ट्रेन काफ़ी देर से संगमेश्वर स्टेशन के यहाँ पे रुकी है. इट्स बीन ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स एंड सचिन को कॉफ़ी पीना था, तो सचिन ने कौन सी कॉफ़ी ली है? कैपुचिनो कॉफ़ी. एंजॉयिंग कॉफ़ी विद ऑसम वेदर. Sachin, how did you like the surprise? Wow. We are going Goa. Yes, of course. No. Thank you. That's why. I was thinking that why we are going towards Karma. Now we are going to hotel. अब दो ही जन थे इसके लिए हमने रिक्शा किया. Guest house where we are staying. So पहुंच चुके यहाँ पे. एंड आई विल शो यू अवर गेस्ट हाउस. कैसा है ये एंट्रेंस है. एंड लुक एट इट. डजंट लुक लाइक अ गेस्ट हाउस
we are coming here from last 3 years and we are coming here only guest house mein. We really like this room. So if you are planning to come over here, surely you can go for this guest house. यहाँ पे छोटा सा फ्रिज है, यहाँ पे किटली है, देन आपको वॉश वगैरह करने के लिए यूटेंसिल्स वगैरह के लिए है यहाँ पे. देन देर इज बेड ओवर हियर जो काफ़ी सॉफ्ट है. सो इट इज़ लाइक गेस्ट हाउस जैसा आपको फील ही नहीं होगा. यू विल फील लाइक यू आर इन सम होटल. एंड शो यू दिस. This is the small standing gallery. यहाँ से अगर आप देखते हो तो this is Candolim Beach. So ये beach पे जाने के लिए you need to go for walk like around only 2 minutes and आप पहुँच जाओगे beach पर. So यहाँ पे सारे guest house ही है. So अगर आपको चाहिए मॉनसून में या कभी भी आपको आना है, दिस इज़ द बेस्ट चॉइस. यू कैन कम ओवर हियर टू स्टे. सो यस यस. सो फाइनली सचिन वी आर हियर. एंड बताओ मुझे कैसे लगा आपको ये मेरा सरप्राइज. कांट बिलीव. मतलब आज श्रद्धा को पता है कि मुझे गोवा आना बहुत पसंद है. महीने में 3 बार बोलेंगे ना तो भी मैं आने के लिए रेडी रह सकता. तो एक्चुअली इस बारे में हम लोग को बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतनी बार गोवा क्यों जाते हो तुम लोग. बट वी रियली लाइक लव गोवा. हमको जितनी बार भी बोले कि यू नो गोवा जाना है तो यू नो वी कैन कम ओवर हियर. सो वी रियली लव इट. एंड मुझे पता था कि सचिन को गोवा से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं लगता है. सो बेस्ट वॉज टू प्लान गोवा. तो मैंने सचिन को कुछ बताया नहीं था, टिकट्स वगैरह बुक करवा दी थी. एंड देन मुझे लगा हिंट कि ट्रेन से तो उसको आइडिया आ गया रहेगा. बट इसके लिए फिर मैंने उसको बोला कि वी आर गोइंग टू तारकरली. सो उसको लगा कि ठीक है. बट जैसे ही स्टेशन गया ही केम टू नो दैट यू नो वी आर नॉट गोइंग टू तारकरली एंड वी आर कमिंग टू गोवा. एंड ही वॉज सो एक्साइटेड. फिर उसने ट्रेन में ही सब वीडियोज वगैरह देखना शुरू कर दिया कि गोवा में क्या चालू है क्या नहीं है. एंड ही वॉज सो मच एक्साइटेड. हमने बहुत सारे वीडियोज भी निकाले हैं जो आपको अभी दिखाई देंगे, हम लोग डाल देंगे व्लॉग में. सो सचिन टेल मी हाउ एक्साइटेड यू आर दैट आई वॉन्ट. आई वॉज रियली मतलब एक्साइटेड टू एक्चुअली कम आउट. आई वॉन्ट टू गो आउट. बट श्रद्धा ने जो प्लान किया वो मेरे मतलब मेरे इच्छा के हिसाब से उन्होंने उसमें ऐसा प्लान किया कि मुझे गोवा में अच्छा लगा तो हम इधर ही चले जाएंगे. तो आज हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह से लेके शाम तक ऐसा मतलब देख रहे थे कि ट्रेन थोड़ा सा लेट था, काफ़ी लेट था. फाइनली हम पहुंच गए करमाली. एक्चुअली थीविम में रुकता है ट्रेन, बट थीविम में उनका ऑटोमेटिक डोर है तो वो खुलता नहीं है. तो फिर हम करमाली रुक गए. करमाली उतर के फिर करमाली से फिर अब बाहर देखा तो फिर थोड़ा वो सब टैक्सीज का और कैब का जो भी काउंटर है वहाँ पे जाके पूछा. बिकॉज एक्चुअली ये जो अभी का जो टाइम है दैट इज नॉट सीजनल क्राउड. सो इसके लिए उनको ज़्यादा मेंबर पैसेंजर्स नहीं मिलते हैं. सो इसके लिए क्या होता है वो पहले शेयरिंग में ले लेते हैं. हम लोग हमेशा फेब में आते हैं यहाँ पे, तो फेब में वो हमेशा शेयरिंग में हम लोग को लेके जाते. बट इस बार कोई थे ही नहीं पैसेंजर. सो दे वर लाइक टेलिंग अमाउंट लाइक 1,000, 1,100 काइंड ऑफ. सो हमने फिर वहाँ पे रिक्शा आई गेस फाइनली वी गॉट ऑटो पर्सन दैट ही एग्री एक्चुअली अप्रोच मी दैट जस्ट गिव मी सम 800 to 900. देन थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है उनके साथ तब जाके हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं. तो अदरवाइज तुम्हारे 800 to 900 तक आपका कॉस्टिंग होता ही है और आप काउंटर वाइज जाओगे तो 1100 रुपीज़ लेते हैं. बट फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे हैं नियर बाय कैंडोलिम जो हम एवरी ईयर यहाँ पे आते हैं. इनका नाम है रमनियन गेस्ट हाउस. तो और इनकी प्रॉपर्टी तो हम आपको व्लॉग में दिखाई देंगे कि काफ़ी अच्छी और अच्छा मेंटेन किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते. और इनका रेट्स वाइज भी बहुत ही अच्छा उनका
कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ हम आपको दे देंगे. सो यू विल नॉट फील कि आप गेस्ट हाउस में हो. बहुत ही प्रीमियम सर्विसेज है. एक बात है कि यू विल नॉट गेट ऑल द सर्विस विच यू गेट इन होटल्स, लाइक यू नो ब्रेकफास्ट हो गया या फिर लंच डिनर हो गया. यहाँ पे यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑन योर ओन. बट यहाँ का वाइब काफ़ी अच्छा है और बेस्ट थिंग है कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पे कैंडोलिम बीच है. सो दैट रियली वी वॉन्ट. यहाँ का विंडो ओपन करते ही वी कैन सी कैंडोलिम बीच का एरिया. सो वी नॉर्मली चूज दिस रूम ओनली. सो मैंने यहाँ के जो पर्सन को पहले ही कॉन्टैक्ट करके बुकिंग वगैरह करवा दी थी यहाँ के लिए. यस, आज के दिन का सिर्फ एग्जॉस्ट हम लोग उस चीज़ के लिए हो गए एग्जॉस्ट कि जो ट्रेन का टाइमिंग था, हम यहाँ पे पहुँचने वाले थे अराउंड 4:30, बट हम पहुँचे अराउंड 5:36. सो ऑलमोस्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स तक लेट थी. एंड उसके वजह से हमारा आज का जो प्लान मैंने किया था वो नहीं हो पाया. बट लेट्स सी, देखते हैं कल हम क्या करें. सो यस, फाइनली आई एम सक्सेसफुल फॉर प्लानिंग योर बर्थडे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.